आजसू पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज हो रही है एक आम बैठक। इस बैठक में बातें सामने आएगी कि गिरिडीह सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कौन होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए आजसू के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नेता एक साथ मंच को साझा कर रहे हैं, साथ ही उनके कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। खासकर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के हमारे सभी वरीय पदाधिकारी, पार्टी के वरीय पदाधिकारी, चुनाव की तैयारी के संदर्भ में, बूथ स्तरीय तैयारी के संदर्भ में, प्रचार प्रसार और चुनाव अभियान को गति देने के संदर्भ में आज बैठक आयोजित की गई। साथ ही साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी बातचीत होगी। तो क्या एक ही तो फाइनल हो गया कि एक ही जगह से आप लोग लड़ेंगे? सारा कंसंट्रेशन वही रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर जो सहमति बनी है उसमें 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट गिरिडीह सीट पर आजसू पार्टी चुनाव लड़ेगी। फैसला ही सुना लेंगे तो संभव है। अच्छा, इसे हट करके एक बार कल हेमंत है उसके नजरिए को ही स्पष्ट करता है किस तरीके से वो सोचते हैं। जो सहयोगी है उसी को अगर कंकड़ पत्थर कहेंगे तो वो क्या है। खरीफ फसल की तैयारी कर रहे हैं तो रबी के बारे में चर्चा